गुड मॉर्निंग सब कैसे हैं फ्रेंड। मेरी चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड, मैं आज चाइना डोल का पौधा लेकर आई हूँ। देखिए चाइना डोल को भी धूप लग रही है, ये पत्ते बर्न हो रहे हैं। देखिए बहुत तेज धूप है तो पत्ते खराब हो रहे हैं, देखिए जलने लगे हैं। तो क्या करें फ्रेंड, फ्रेंड इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। देखिए ये फ्लावरिंग का गुच्छा बना है, चाइना डोल है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, लाइट पिंक कलर का फ्लावर आता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, कटिंग से भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। आप बारिश के सीजन में या फरवरी में लगा दीजिए कटिंग, थोड़ा मोटा वाला कटिंग लगा दीजिए, अच्छे से लग जाएगा। और फ्रेंड ये पौधा इतना महंगा भी नहीं आता है। अभी उसमें इसमें देखिए चारों तरफ इतने 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 कलियाँ बनी है। पानी की कमी है ना फ्रेंड, तो थोड़ा जल्दी नहीं इसमें फलियाँ कलियाँ है तो वो जल्दी खिलेगी नहीं, क्योंकि पानी की कमी हो गई है। बहुत ही अच्छी भिनी भिनी खुशबू आती है फ्रेंड, इसमें फ्लावर इतने अच्छे आते हैं ना, लाइट पिंक और वाइट जैसा इसमें कॉम्बिनेशन है। बहुत ही खुशबू भिनी भिनी आती है अच्छी। सब डालियों में फ्रेंड कलियाँ बनने लगी है। देखिए यहाँ भी बनी है और यहाँ भी बनने लगी है। यहाँ तो पूरा गुच्छा ही है, देखिए पूरा गुच्छा कलियों से भर जाएगा तो अच्छा लगेगा। एक यहाँ भी बन रहा है पत्तों के साथ, एक यहाँ तो बन गया है। अभी कलियाँ थोड़ी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो अच्छे से वो। फ्रेंड ये भी आपके गार्डन में बहुत ही चार चांद लगा देगा, आपके गार्डन में इसे जगा देंगे तो। बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी कोई केयर भी नहीं है फ्रेंड। मैं ज़्यादातर पौधे ऐसे लाती हूँ फ्रेंड कि जो मुझे केयर करनी ना पड़े, बस पानी दे दूँ थोड़ा और खाद कभी कभी दे दूँ। खाद भी मैं बहुत नहीं देती हूँ, पर लिक्विड खाद बनाती हूँ तो इन सबको मैं दे देती हूँ। अब तो मैंने सब बारिश आने वाली थी तो मैंने सबको खाद दे दिया है, वर्मी कंपोस्ट नीम खली साफ पाउडर ये सब डाल दिया सब में बारिश से पहले। बारिश में तो कुछ देना नहीं है, फिर तो बारिश में तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि पानी इतना गिरेगा ना तो बह जाएगा नीचे से, पूरा न्यूट्रिशन चला जाएगा। इसलिए मैं अभी दे दिया है, अप्रैल में दे दिया था मैंने सबको, अप्रैल के एंड में दे दिया था। जो बाकी रहे थे उसे मैंने मई महीने में दे दिया। कि पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छी कलियाँ बना रहा है, पर धूप इतनी तेज है ना फ्रेंड कि पत्ते जलने लगे हैं। देखिए कोई कोई पत्ता तो ऐसे है जैसे हमने माचिस की तिली लगा दी हो, इतना सुलग जाता है। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे हो जाता है, ये सूखा हो गया। हम ऐसे करेंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी, इतना जल जाता है फ्रेंड। धूप ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कुदरत बस। अब तो बारिश आ जाए, बारिश जल्दी से आ जाए तो अच्छा है। तो फ्रेंड ये पौधा आप ला सकते हैं, इसका मैंने कटिंग भी लगाया है। देखिए ये रहा कटिंग भी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कटिंग में बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये छोटी छोटी कलियां है या नहीं, कलियां नहीं है पत्ते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसमें भी मैंने खाद दे दिया है फ्रेंड, तो आप ये पौधा भी ला सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा, इसकी जो फ्लावर खिलेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। फ्लावर अच्छे, इतने अच्छे सुंदर फ्लावर इसके होते हैं, बहुत ही अच्छे बेल जैसे इसके फ्लावर है। पर झुंड में एक गुच्छे में आता है फ्लावर, और इसमें जो टिप पर आता है देखिए ये है ना, यहाँ ये बस ये फ्लावरिंग कलियाँ बन रही है तो यहाँ फ्लावर का गुच्छा बन जाएगा। ये तो पत्ते हैं पर ये यहाँ गुच्छा बन रहा है फ्लावर कली का, तो बहुत सारी इसमें कलियाँ बननी हैं। ठीक से पानी मिलेगा तो अच्छे से खिल जाएंगे, बारिश आ जाएगी तो कोई क्या बात है फ्रेंड। ईश्वर का जो हम पर ईश्वर मेहरबान हो जाए बस, अब तो बारिश आ जाए। जून महीना शुरू हो गया, जून की 6 तारीख है, तो फ्रेंड बहुत ही गर्मी इतनी तेज हो रही है सब जगह, हमारे यहाँ नहीं सब जगह
बहुत ही तेज गर्मी हो रही है और सब जगह पानी की दिक्कत हो गई है। हमारे एक जगह, हमारे एक के यहाँ नहीं है, सब जगह पानी की दिक्कत हो गई है। तो पौधों को बचाना तो बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ नहलाती थी, अब नहीं नहला पाती हूँ, तो मेरा बहुत ही मुझे दुख हो रहा है। पानी में गमले में मुश्किल से दे पा रही हूँ, तो नहलाना तो कहाँ से मैं नहलाऊँ। फिर गर्मियों में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है, गर्मियों में और बारिश की सीजन में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं ये जो चाइना डोल है। और बारिश के सीजन में आप इसका कटिंग लगा दीजिए या फरवरी में लगा दीजिए, थोड़ी मोटी टहनी हो वो काट कर लगा दीजिए, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। क्योंकि इसे पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए फ्रेंड सबको, इतनी गर्मियाँ हैं तो रोज़ पानी देना पड़ता है। फ्रेंड मैं सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सबको दे देती हूँ, बस अब ज़िंदा रखना है मुझे बारिश आने तक, तो थोड़ा थोड़ा मैं पानी देती हूँ। अब पानी कम हो गया है ना फ्रेंड, तो मेरे हस्बैंड बहुत मुझे सुनाते भी है कि क्यों ये इतने पौधे पाले हैं तूने, कहाँ से पानी देगी, क्या करेगी। वैसे उसे पसंद तो है ही नहीं गार्डन मेरा, तो इसे मौका मिल गया बोलने का। कोई बात नहीं फ्रेंड, मुझे तो शौक है गार्डन का, तो मैं तो बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, जितना हो सके मैं पानी दे देती हूँ। अब तो बारिश का सीज़न ही नज़दीक है, तो कोई टेंशन भी नहीं है, थोड़ा टेंशन रहेगा, बाद में तो कुछ नहीं होगा। पानी बरसाएगा, बारिश आएगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर तो इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा ना ये पत्ते जो पीले हो गए हैं ना, पानी नहीं मिलता इसलिए, तो ये भी अच्छे गिर जाएंगे ये पत्ते, तो कुछ अच्छे नहीं होंगे। एक बार ख़राब हो जाता है पत्ता तो कभी ठीक नहीं होता। फ्रेंड देखिए ये पत्ते जलने लगे हैं, पीले हो गए हैं, वो कभी खराब अच्छा नहीं करे, नहीं होगा अच्छा नहीं होगा ये पौधा कभी। फ्रेंड आपके गार्डन में ये पौधा भी ज़रूर लगा दीजिए। जब इसमें फ्लावर नहीं होते ना फ्रेंड, तो इसके पत्ते इतने ग्रीन होते हैं ना, तो हमारे गार्डन में ग्रीनरी बनी रहती है। और ये पौधा गर्मियों में बहुत सारा फ्लावर देता है, बारिश तक, बारिश का सीज़न पूरा हो जाए अक्टूबर तक इसमें फ्लावरिंग करेगा ये, और बहुत ही अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है देखने में। और इसकी सुगंध भी बहुत ही अच्छी है, भिनी भिनी सुगंध आती है इसमें, तो अच्छा लगता है ये पौधा। और फ्रेंड ये परमानेंट पौधा है, परमानेंट है प्लांट, तो आपके गार्डन में ज़रूर इसे जगा दीजिए। क्योंकि और कोई पौधे होते तो सीजन में रहते हैं फिर बाद में तो चले जाते हैं, पर ये परमानेंट पौधा है, तो आप इसे गार्डन में ज़रूर लगा दीजिए। जब इसके फ्लावर नहीं होंगे तो इसके पत्ते बहुत अच्छे ग्रीन ग्रीन होते हैं, लस्ट ग्रीन होता है। इसका कलर देखिए, ये पत्ते नए आए हैं, देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, हमारे आँखों को इतनी ठंडक देता है। फिर ग्रीन है तो बहुत ही अच्छा रहता है ये, और फ्लावरिंग आती है तब तो बात ही क्या है फ्रेंड, फ्लावरिंग आती है और ग्रीन इसमें पत्ते होते हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बारिश के सीजन में तो इतना अच्छा लगता है, मैं सुबह सुबह नहला देती थी ना फ्रेंड, तो बहुत ही इतना अच्छा लग रहा था ना, पर अब नहीं मैं नहला पा रही हूँ, एक भी पौधे को कुछ नहीं मैं कर पा रही हूँ, पानी मुश्किल से सब पौधों को थोड़ा थोड़ा देती हूँ, बस जिंदा रहे बस बारिश तक, मैं ईश्वर को यही प्रार्थना करती हूँ। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो आपको शेयर करिए। बाय।